Hey guys and welcome to my channel. मैं वीडियो क्रिएट करने के लिए तीन टाइप के माइक्स यूज करता हूँ. सबसे पहला है Boya By M1 वायर्ड माइक, दूसरा है मोनो का कंडेंसर माइक एंड तीसरा है मेट्रोनेट K8 वायरलेस माइक्रोफोन. मैंने Boya और मोनो माइक दोनों का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले मेट्रोनेट K8 वायरलेस माइक्रोफोन का. अभी इस माइक की प्राइस 2000 रुपये से. अगर आपको वीडियो देखने के बाद इस माइक को परचेस करना है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस माइक को बहुत ही इजीली आप अपने किसी भी टाइप से एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, प्लस आप आईफोन के साथ भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो. सब लिए काफ़ी ईजी बन जाएगा. आज मैं कोई इस माइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था ईमोटर EMX इलेक्ट्रिक बाइक का, उस वीडियो मैंने पूरा इस माइक को यूज़ किया है. अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो भी आपको लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और आप एक ब्लॉगर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये माइक बन जाएगा. सो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो आपको यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना. सो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ये रहा हमारे वायरलेस माइक्रोफोन का बॉक्स है. फ्रंट साइड में आपको कंपनी का नेम चाइनीज में मिल जाएगा, बाजू में आपको मॉडल नेम K8 लिखा मिलता है. बैक साइड में आपको सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसको हम पूरा टेस्ट कर लेंगे. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है. सभी हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग. और सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका माइक, ये रहा वायरलेस माइक्रोफोन ट्रांसमीटर. यहाँ पे आपको विंडस्क्रीन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा. यहाँ पे वो क्लिप मिलती है जिसे आप अपने माइक्रोफोन को अपने शर्ट या टी-शर्ट के साथ अटैच कर पाओगे. यहाँ पे वो बटन मिलता है अपने माइक्रोफोन को ऑन करने के लिए. यहाँ पे आप सिंपली लॉन्ग प्रेस करके माइक्रोफोन को ऑन कर सकते हो और आपका माइक्रोफोन यहाँ पे ऑन हो चुका है. यहाँ पे कोई इंडिकेटर लाइट भी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है अपने माइक्रोफोन को चार्ज करने के लिए. देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या मिलता है. नेक्स्ट आपको मिल जाएगा टाइप सी रिसीवर जिसको आप अपने फोन के टाइप सी पोर्ट में अटैच करके माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हो. ये रहा टाइप सी वाला फ़ोन, सिंपली यहाँ पे आपको अटैच करना है और आपका माइक्रोफोन आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे कोई सीधा को प्लग एंड प्ले करना है, कुछ भी और करना नहीं है. सो ये काफ़ी आपके लिए इजी प्रोसेस बन जाएगा. नेक्स्ट आपको मिलता है लाइटनिंग एडेप्टर, सो आप अपने माइक्रोफोन को आईफोन के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे. उसके लिए सबसे पहले आपको रिसीवर को लेना है. यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको अटैच कर देना है लाइटनिंग एडेप्टर, यहाँ पे अटैच हो जाएगा. तो बाद में हमें आईफोन के साथ यहाँ पे सिंपली अटैच करना है जिससे आपका माइक्रोफोन आपके आईफोन के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा. ये भी आपके लिए काफ़ी ईजी प्रोसेस बन जाएगा. सो आप इस माइक को एंड्रॉयड एंड iOS दोनों फोन के साथ यूज़ कर पाओगे. देखते हैं आपको नेक्स्ट क्या मिलता है. नेक्स्ट हमें मिल जाएगा टाइप सी चार्जिंग केबल अपने माइक्रोफोन को चार्ज करने के लिए. मैं अभी Google Pixel 3a से वीडियो शूट कर रहा हूँ. अभी मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक कनेक्ट नहीं किया. अभी जो भी साउंड रिकॉर्ड हो रहा है फोन के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है. नेक्स्ट अभी हम ये वाले वायरलेस माइक को अपने फोन के साथ कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कोई साउंड क्वालिटी मिल जाती है. सो अभी ये माइक मेरे फोन के साथ कनेक्ट हो चुका है. बहुत ही इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो. सिंपली आपको फोन के टाइप सी पोर्ट में इस माइक रिसीवर को अटैच करना है, माइक आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा. अगर फिर भी कनेक्ट नहीं हो तो आपको अपने फोन में ओपन कैमरा ऐप को डाउनलोड करना है जिसमें आपको वीडियो सेटिंग्स में जाना है, ऑडियो सोर्स में जाके एक्सटर्नल माइक को सिलेक्ट करना है. इससे यह माइक 100% आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे आपको ओमनी डायरेक्शन माइक मिलता है. सो ये माइक चारों तरफ से आपकी साउंड को कैप्चर करता है. साउंड क्वालिटी को बहुत ही सुपर्ब मिल जाएगी. अभी मैं इंडोर कंडीशन में हूँ. अभी इस रूम में ओनली फैन की आवाज़ आ रही है. अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा तो ये माइक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता है. सो काफ़ी अच्छे को साउंड क्वालिटी मिलती है. मुझे पसंद साउंड क्वालिटी बहुत ही पसंद आई है. और यहाँ पे आपको इस माइक को चार्ज भी करना पड़ेगा. इस माइक को फुल चार्ज करने के लिए आपको आराम से 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है. और एक बार आपका माइक्रोफोन फुली चार्ज हो गया तो आपको आराम से 4 से 5 घंटे का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है, जो काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है. सो अभी इस माइक को आउटडोर कंडीशन में टेस्ट करने वाले हैं. सो अभी मैं आउटडोर कंडीशन में आ चुका हूँ. आसपास में आपको थोड़ा बहुत नॉइस मिल जाएगा और ये माइक बिल्कुल भी नॉइस को कैप्चर नहीं कर रहा है. काफ़ी अच्छे को साउंड क्वालिटी आउटडोर कंडीशन में मिल जाएगी. अभी आप साउंड सुन रहे हो, अब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ और ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा. सो नॉइस रिडक्शन काफ़ी अच्छा है. अभी मैंने पूरा अपना व्लॉगिंग सेटअप को तैयार किया है. इस तरह से आप व्लॉगिंग कर सकते हो इस माइक के साथ. देखो ये पूरा व्लॉगिंग सेटअप है. यहाँ पे अपने माइक को यहाँ पे अटैच करना है अपने एंड्रॉइड तो iOS फोन के साथ. आपको ट्राइपॉड लेना, इस तरह से पूरा आपका सेटअप हो जाएगा. बहुत ही कॉम्पैक्ट सेटअप आपके लिए बन जाएगा. बहुत ही इजीली आप इस माइक के साथ व्लॉगिंग कर पाओगे. अभी हम इस माइक की रेंज की टेस्ट करने वाले हैं और मैं दूर जाने वाला हूँ. अभी फिर भी आपको साउंड क्वालिटी प्रॉपर मिल जाएगी. मैं इतना दूर आ गया हूँ. यहाँ पे आपको मैक्सिमम 65 फीट की आपको रेंज मिलती है. सो आप इस तरह से भी व्लॉगिंग कर सकते हो. यदि आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही बेटर मिल जाएगी. सो आप इस माइक को इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन बहुत ही इजीली यूज़ कर पाओगे. व्लॉगिंग के लिए सेटअप बहुत ही अच्छा आपके लिए बन जाएगा.
अभी मैंने इस माइक को मेरे आईफोन के साथ कनेक्ट किया है। आईफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको इसके टाइप सी रिसीवर के आगे लाइटनिंग एडेप्टर को अटैच करना है और सीधा आपके फोन के साथ कनेक्ट करना है। इससे बहुत ही इजीली ये माइक आपके आईफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इस माइक का यूज करके आप एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों डिवाइस में इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो मैंने ऐसा मार्क किया, जब भी आप इस माइक्रोफोन को एंड्रॉइड डिवाइस के साथ यूज करते हो आपको ज्यादा बेटर साउंड क्वालिटी मिलती है एज कम्पेयर टू आईओएस डिवाइस। इस बात को आप नोट कर लेना। इसकी प्राइस ओनली 2,000 रुपीज है। इसमें आपको बहुत ही सुपर साउंड क्वालिटी मिल जाएगी। अगर आप ब्लॉगर हो इसको आप 100% परचेस करना आपको बहुत ही हेल्पफुल बन जाएगा। और इस माइक को परचेस करने के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी आपको वीडियो यूजफुल लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हम सब्सक्राइब कर लेते हैं वीडियो में। बाय।